दुरुस्त नहीं है। मम्मी डैडी बोल सकते हैं क्या इस्लाम में जायज है क्या उन्होंने लिखा? देखिए आप इस्लाम में अम्मी अब्बा बोल सकते हैं, मम्मी पापा बोल सकते हैं, मम्मी डैडी बोल सकते हैं, अम्मी अब्बू बोल सकते हैं, अब्बी अब्बा बोल सकते हैं, अभी मेरे वालिद, जो भी लफ्ज़ जो एहतराम के अपने वालिद के लिए है, तमाम अल्फाज किसी भी ज़बान में हो बोल सकते हैं। माँ और पा बोल सकते, समझ, संस्कृत में पा होता है या जर्मनी में पा बोलते, पिताजी उसी से लफ्ज़ हिंदी में आता है, ठीक, माँ और पा, तो आप जो वो पा से पापा भी लफ्ज़ इंग्लिश में जाता है, वो सब वही है, ठीक है, तो ये कोई मसला इसके अंदर नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मम्मी डैडी भी उसी तरह के लफ्ज़ हैं, लेकिन चूंकि इंग्लिश ज़बान को किसी ज़माने में हराम करार दे दिया गया था, नतीजतन मम्मी डैडी इंग्लिश का लफ्ज़ होने की वजह से लोग कहते हैं, लेकिन इसके बोलने में शरण कोई खबाहत नहीं है, ये अल्फाज है जो लोग एक दूसरे को अपनी अपनी ज़बानों में बोलते हैं।